इसी वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसी मूवमेंट्स के बारे में जिस रेसलमेनिया हमें कई महीनों तक याद रहेगी, मतलब रेसलमेनिया के टॉप 5 मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर है सेथ रॉलिंस का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना। ये सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस WWE में सब कुछ हासिल कर चुके थे पर अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हासिल नहीं की थी, और आज ट्रिपल थ्रेट मैच जीत के सेथ रॉलिंस बने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और बने ग्रैंड स्लैम चैंपियन। ग्रैंड स्लैम चैंपियन वो होता है जिसने WWE में सभी चैंपियनशिप जीत लिए होते हैं। इस लिस्ट में रैंडी ऑर्टन, रोमन रिंग्स का भी नाम है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे। चौथे नंबर पर है डैनियल ब्रायन का इन रिंग रिटर्न और सैमी ज़ेन और केविन ओवंस का फायर। टैग टीम मैच में एक स्टिपुलेशन थी कि अगर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस जीत गए तो वो स्मैकडाउन में फिर आ जाएंगे, और अगर वो हार गए तो वो फायर ही रहेंगे। सबसे पहले तो हमें डैनियल ब्रायन का इन रिंग रिटर्न देखने को मिला। डैनियल ब्रायन को फैंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डैनियल ब्रायन एज ए रेसलर कैसे आगे बढ़ते हैं, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा WWE सैमी ज़ेन और केविन ओवंस का क्या करती है। क्या वो रॉ में आएंगे, क्या वो फिर स्मैकडाउन में जाएंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पर है रोमन रिंग्स की हार। इस मैच को देखने वाला हर एक यही मानकर बैठा था कि रोमन रिंग्स जीतेंगे, कि रोमन रिंग्स बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन, पर ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर जीते। इसके पीछे तो एक ही कारण निकल कर आ रहा है, और वो है कि मैच का रिजल्ट इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका था कि कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ब्रॉक लेसनर जीतेंगे रेसलमेनिया में। सभी यही मानकर बैठे थे कि रोमन रिंग्स ही जीतेंगे। आपको तो पता ही है कि WWE को अनप्रडिक्टेबल चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है, और WWE ऐसे ग्रैंड स्टेजों पर ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ें करती है। तो इसलिए WWE ने अनप्रडिक्टेबल होकर ब्रॉक लेसनर को जिताया। तो अब ब्रॉक लेसनर का क्या वो UFC में नहीं जाएंगे? अभी इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। ये अगर कोई न्यूज़ आएगी तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थी तीसरी मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट की बात करते हैं, और वो है ऑस्का की हार। जी हाँ, सही सुना, ऑस्का की हार हुई है रेसलमेनिया में शार्लेट के हाथों। इस मैच का रिजल्ट किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। शार्लेट के हाथ टूटेगी ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। रूमर्स ये थे कि रेसलमेनिया 35 में रोंडा रोजी का मैच होगा ऑस्का के साथ, और उस मैच में ऑस्का की स्ट्रीट टूटेगी। मैच का भी विनर बहुत प्रेडिक्टेबल था। WWE अनप्रेडिक्टेबल होना चाहती थी, इसलिए WWE ने ऑस्का की स्ट्रीट ब्रोकन की शार्लेट के हाथ। रेसलमेनिया का सबसे शॉकिंग पल था। तो अब बात करते हैं नंबर एक की। नंबर एक पर है द अंडरटेकर का रिटर्न। जी हाँ, फाइनली हमें अंडरटेकर का रिटर्न रेसलमेनिया में देखने को मिला। जब जॉन सीना वेट कर रहे थे अंडरटेकर की, तभी अंडरटेकर आए अपने गॉन्ग के साथ, और हमें इन दोनों के बीच मैच देखने को मिला। ये मैच छोटा तो था, पर इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अंडरटेकर के डेड मैन का गिमिक अभी रिटायर नहीं हुआ है। जी हाँ, इस बात के रूमर्स भी थे कि अंडरटेकर का डेड मैन का गिमिक रिटायर हो चुका है, और रेसलमेनिया में अमेरिकन बैडएस का गिमिक आएगा। अंडरटेकर आए थे डेड मैन के गिमिक में। इससे एक बात तो क्लियर है कि अंडरटेकर रिटायर नहीं हुए हैं, और अंडरटेकर की अपीयरेंस के साथ ये रेसलमेनिया बन गई एक यादगार। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें।